ये बदतमीजी की हद है। किसी एक्टर पर इस तरह से हमला करना बताता है कि मुंबई में एक्टर्स अब सेफ नहीं रह गए हैं। मिस्टर इंडिया रह चुके एक्टर आकाश चौधरी भाग्य लक्ष्मी जैसे सीरियल से लोगों का दिल जीत चुके हैं, लेकिन कल रात उनके साथ मुंबई की सड़कों पर जो हुआ उसने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मुंबई में एक्टर्स सेफ नहीं रह गए हैं। आकाश एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे कि कुछ फैंस उनके साथ तस्वीर लेने की जिद पर अड़ गए। इन लड़कों की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। फैंस ने आकाश को बीच सड़क पर रोका, जबकि आकाश उन्हें एक तरफ ले जाकर फोटो देना चाहते थे, इसलिए आकाश रुके नहीं और आगे बढ़कर रोड क्रॉस करने लगे। तभी एक लड़के ने उन पर बोतल फेंक कर मारी। आकाश को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू कर लिया। इसके बावजूद भी आकाश ने इन लड़कों के साथ फोटो खिंचाई, फिर भी ये लड़का आकाश पर दोबारा से हमला करने लगा। हट्टे कट्टे और बॉडी बिल्डर आकाश का एक घूंसा ये लड़का नहीं झेल पाता, लेकिन आकाश बहुत जेन्युइन इंसान है और उन्होंने पलटकर कुछ भी नहीं किया, बल्कि चुपचाप मामले को निपटा दिया। अगर ये लड़का आकाश के साथ ऐसा कर सकता है तो किसी फीमेल एक्ट्रेस के साथ भी ऐसा हो सकता है। आकाश की जगह यहाँ कोई लड़की भी हो सकती थी। इन लड़कों की इतनी हिम्मत थी कि ये मीडिया के सामने आकाश पर हमला किए जा रहे थे। आखिर इनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई और मुंबई पुलिस की सुरक्षा कहाँ है? ये मामला इतना छोटा नहीं है जितना लग रहा है। एक्टर पर हमला कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। इन लड़कों की आंखों में जरा भी डर नहीं था। आकाश को इनके खिलाफ शिकायत जरूर करानी चाहिए। नहीं, मुझे अप्रोच आया था टेम्पटेशन आइलैंड के लिए, बट मैं दो तीन बार शुक्र कर फिलहाल के लिए मुझे वही करना कि वो जिसमें लव हो या सब कुछ हो, एंड स्पेशली बिकॉज आई एम ऑलरेडी सीन सम ऑफ, आई डोंट वांट टू डू एनी शो यू नो व्हिच इज लाइक दैट वाज अ कली कॉल, आया था ऑलरेडी दो बार ब्रेक कर चुका, एंड या देयर आर अदर शोज आल्सो व्हिच हैव बीन अप्रोच, बट ओके।